ओपनिंग डे पर भैया जी ने कमाए 1.44 करोड़, फ्यूरियोसा का कलेक्शन 4.5 करोड़। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। 15 दिन में श्रीकांत की कमाई 33.20 करोड़। इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मनोज बाजपेयी स्टारर भैया जी ने पहले दिन 1.44 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। शुक्रवार को इस फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 9.45% रही। अपूर्व सिंह कार्की निर्देशित इस फिल्म में मनोज बाजपेयी पहली बार फुल एक्शन रोल में नजर आ रहे हैं। मनोज के अलावा इसमें जोया हुसैन, जतित गोस्वामी और विपिन शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। फ्यूरियोसा ने 2 दिन में कमाए 4.5 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर मनोज की फिल्म का कलेक्शन हॉलीवुड फिल्म मैड मैक्स फ्यूरियोसा से हुआ है। क्रिस हेम्सवर्थ और आन्या ट्रेलर स्टारर यह फिल्म गुरुवार को रिलीज हुई थी। पहले दिन जहां इस फिल्म ने इंडिया में 2.05 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं शुक्रवार को इसने 2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 2 दिनों में इसका कलेक्शन 4.05 करोड़ हो चुका है। टर्बो ने 2 दिन में किया 10 करोड़ का बिजनेस। इन दोनों फिल्मों के अलावा इस हफ्ते साउथ में ममूटी स्टारर टर्बो रिलीज हुई है, यह भी गुरुवार को रिलीज हुई थी। ओपनिंग डे पर इसने 6.25 करोड़ और शुक्रवार को 3.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 2 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़ रुपए हो चुका है। श्रीकांत ने तीसरे शुक्रवार कमाए 1.18 करोड़। इन फिल्मों के बीच 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत ने सेकंड वीक में भी जबरदस्त कमाई की है। फिल्म ने 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 1.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही इसका टोटल कलेक्शन 33.20 करोड़ रुपए हो चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?